भागवत विद्यापीठ के हिंदी क्लास के दसम वर्ग के क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी भक्ति साहित्य के शशि हैं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों के संबंध में कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गण केशवदास आज के कवि खद्योत समा जाता कार्य प्रकाश राम भक्ति सखा के सिरमौर कवि। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त के संबंध में स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि हिंदी भक्ति साहित्य के जितने भी महान एवं श्रेष्ठ कवि हैं उन्होंने अपनी लेखनी से अपने संबंध में कुछ नहीं लिखा है, चाहे सूरदास हों या कबीर हों या तुलसीदास हों। फलतः इन कवियों के जीवन वृत्त के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 1554 में हुआ था, तो कुछ विद्वान इनका जन्म 1583 मानते हैं, पर अधिकतर लोग इनका जन्म 1589 मानते हैं। इसी तरह इनके जन्म स्थल के संबंध में भी विद्वानों में प्रायः पर्याप्त मतभेद है। कुछ लोग इनका जन्म स्थल जमुना नदी के किनारे स्थित दुबेपुरवा गांव मानते हैं, तो कुछ लोग इनका जन्म पितौंजिया ग्राम में दुबे परिवार में हुआ मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गोस्वामी जी का जन्म एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था, तो कुछ लोग बांदा जिला के राजपुर गांव में इन्हें जन्मा हुआ मानते हैं। कुछ लोग इन्हें सरजुपारी ब्राह्मण कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें गोस्वामी ब्राह्मण। कुछ लोग इनके पिता का नाम मुरारी मिश्र मानते हैं, तो कुछ इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे मानते हैं। इसी तरह इनकी माता का नाम हुलसी था, लेकिन माता के नाम के संबंध में विद्वानों में कोई मतभेद नहीं है क्योंकि इनके समकालीन कवि रहीम ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा है कि गर्भ लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत हो। जनश्रुति है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता की असामयिक मृत्यु हो गई, फलतः इनकी मौसी या कुछ लोग दासी कहते हैं ने इनका पालन पोषण किया। जब ये महज 5 वर्ष के थे तो उस मौसी व दासी का भी निधन हो गया। इस प्रकार तुलसीदास पूर्ण रूपेण अनाथ हो गए, इधर उधर भटकने लगे। इसी दीनहीन अवस्था में उन पर बाबा नरहरी दास की दृष्टि पड़ी। उन्होंने कृपा करके उन्हें अपना शिष्यत्व प्रदान किया और उन्हीं की कृपा से ये काशी के पंचगंगा घाट पर रहने वाले से सनातन से वेद वेदांग नीति शास्त्र की शिक्षा हासिल की। गोस्वामी जी की 12 प्रामाणिक रचनाएं मिलती हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्रीकृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहु, बरवई रामायण इत्यादि। रामचरितमानस गोस्वामी जी की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है, जबकि विनय पत्रिका काव्य कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ रचना है। विनय पत्रिका और कवितावली ब्रजभाषा में रचित है, जबकि इनकी शेष सारी रचनाएं अवधी भाषा में रचित है। संवत 1680 में सावन महीना के शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास इह लोक को तज कर परलोकवासी हो गए, यानी इस दिन इनकी मृत्यु हो गई। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक पाठ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर सभा में राम द्वारा शिव का धनुष तोड़े जाने की सूचना पाकर परशुराम क्रोधित होकर वहां पहुंचे। उन्हीं से राम लक्ष्मण की जो वार्ता हुई उसी को यहां प्रस्तुत किया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक पाठ गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उदित है, जो दोहा चौपाई छंद में कथात्मक संवादात्मक व नाटकीय शैली में रचित है। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। दोहा में कुल 48 मात्राएं होती है तथा इसके सम चरणों के अंत में गुरु और लघु का आगमन होता है। चौपाई 64 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और
इसके पहले और दूसरे तथा तीसरे और चौथे चरण के अंत में दो गुरु होता है, यानी दो दीर्घ स्वर होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में दोहा और चौपाई के अतिरिक्त सोठा, हरिगीतिका, सवैया, कबीर इत्यादि छंदों का भी प्रयोग किया है। प्रथम चौपाई है, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हो ही को एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिए किन मोही, असुनी रिसाई बोले मुनि कोही। इसमें नाथ शंभु धनु भंजनी हारा ये पहला चरण है, हो ही को एक दास तुम्हारा दूसरा चरण है। तो पहला चरण का अंतिम वर्ण जो है हारा में आ दो बार आता है, ह में भी और र में भी, इस प्रकार दो ये गुरु वर्ण है। इसी तरह तुम्हारा में हारा आ रहा है तो दो गुरु वर्ण है, इसी को दीर्घ स्वर है, इसी को गुरु वर्ण कहा जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।